सहारनपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला, अज्ञात हमलावरों ने की जमकर फायरिंग, जानलेवा हमले में चंद्रशेखर हुए घायल। सहारनपुर से दिल्ली लौटते वक्त अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। तो इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर आजाद घायल हुए, जिनको इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर आजाद अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गए। तस्वीरों में उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार से आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चंद्रशेखर की पीठ को गोली छूकर निकली है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फायरिंग में उनकी कार के शीशे भी टूट गए हैं। हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।